गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ समय का एडवे। आज का हमारा ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, इसका टॉपिक है यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेशन बिटवीन देम, यानी तापमान के विभिन्न इकाइयां और उनके बीच का संबंध। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक है। आईटीआई में हमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी पढ़ना पड़ता है, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम बोर्ड पर देख रहे हैं, ये हमारा सारा यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर है। जनरली टेम्परेचर को चार डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो सारे कैटेगरी मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग इसे देख भी सकते हैं। पहला है हमारा सेंटीग्रेड, दूसरा है फारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है रियूमर। ठीक है, ठीक इसके बगल में मैंने सारे का चिन्ह भी दे दिया है, जैसे सेंटीग्रेड का डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी बगल में लिखा हुआ है, फारेनहाइट का डिग्री एफ, केल्विन को के से हम लोग इंडिकेट करते हैं और रियूमर को डिग्री आर से। तो ये चार तरह के तापमान को मापने की इकाइयां हैं जो जनरली प्रयोग की जाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इन चारों के बीच में आपस में क्या संबंध है इनका, चलिए वो भी फाइंड आउट करते हैं कि ये इनका आपस में क्या संबंध है। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, इन चारों तापमान की इकाइयों का आपस में जो संबंध है वो हम यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं। C by 100 equal to F minus 32 divided by 180 equal to R by 80 equal to K minus 273 by 100। ये इन चारों के बीच में संबंध है। लेकिन एक मिनट, यहाँ देखिए नीचे 100, C के नीचे 100, F के नीचे 180, R के नीचे 80 और K के नीचे 100 है, तो क्या ये सब 20 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं? एग्जैक्टली एकदम डेफिनेटली डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि इनका आपस में कैसा संबंध बनता है। तो देखिए मैंने सबको 20 से कट कर दिया, नीचे वाले जो भी अंक थे। तो हमारा ये नया जो कैलकुलेशन आया सामने वो है इक्वल टू के माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू आर बाई 9 इक्वल टू के माइनस 273 बाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारे सामने आया, ये रिलेशन जो इन चारों के बीच में है। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि इन चारों के जो ये रिलेशन है इनको हम यूज़ कहाँ करेंगे। एक मिनट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ K नहीं होगा, यहाँ F होगा। ठीक है, तो अब जानना तो हम यूज कैसे करेंगे। तो यूज इसमें ये करना है, जैसे अगर हमें कोई तापमान दिया रहे और उसे हमें फारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से C by 5 इक्वल टू F माइनस 32 ना ही लेंगे, उसके बाद का छोड़ देंगे। ठीक है, अगर हमें सेंटीग्रेड से रियूमर में चेंज करना है तो C by 5 इक्वल R by, और अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है तो C by 5 इक्वल टू K माइनस 273 by 5, इतना ही लेंगे, बस यही इसका काम है। अगर फारेनहाइट से हमें केल्विन में चेंज करना है तो फारेनहाइट वाला जो है इक्वेशन और केल्विन का जो इक्वेशन है वो दोनों को हम इक्वल में रखेंगे। अगर फारेनहाइट से रूमर में चेंज करना है तो फारेनहाइट का इक्वेशन और रूमर का इक्वेशन वो दोनों को आपस में हम लोग इक्वल में लेंगे। अगर रूमर से हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना है, रूमर से केल्विन में चेंज करना है, रूमर से फारेनहाइट में चेंज करना है, तो जिससे जिसका संबंध निकालना है बस उन दोनों इक्वेशन को हम आपस में इक्वल टू में लेंगे और उससे हम चेंज करेंगे तापमान को एक इकाई से दूसरी इकाई में। ठीक है,
यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, 120 डिग्री सेल्सियस को हमें डिग्री फारेनहाइट में चेंज करना है। तो जैसे हमने रिलेशन वाले फार्मूले में देखा, उसी के हिसाब से C/5 इक्वल टू F-32/9 हमने यहाँ लिखा, और यहाँ हमारा सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री सेल्सियस। तो 120 बटा 5 को हमने रखा बराबर F-32/9। जब इसे हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा जो फारेनहाइट का वैल्यू आया वो देखिए यहाँ पर आया 184 डिग्री फारेनहाइट। यानी 120 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा 184 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज किया फार्मूलों की वजह से, जो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो इस तरह से हम सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, या फिर फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 32 डिग्री सेल्सियस को हमें चेंज करना है, ठीक है। यानी ये कितना होगा रूमर में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ कि ये बराबर कितना रूमर, ठीक है। तो जैसे हम लोग फॉर्मूला से देख रहे हैं, हमने यहाँ रूमर और सेल्सियस के बीच में संबंध दिखाना है, तो हमने बस उन दोनों को ही लिया जो हमारे फॉर्मूला में था, R/4, या फिर यहाँ हम लोग C/100 इक्वल टू R/80 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। तो हमने फिर यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, तो सेल्सियस के जगह पे हमने यहाँ पे 32 को रखा, और उसको जब सॉल्व किया हमारे, तो इसमें देखिए 32/5 इक्वल टू R/4 हो गया, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ दोनों के बीच, तो हमारा आया 128 इक्वल टू 5R। तो हमें रूमर का वैल्यू निकालना था, तो R इक्वल टू 128/5 हो गया, और जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारा आया 25.6, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिग्री सेल्सियस को रूमर में चेंज किया। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी कोई भी डाटा हमारा दिया रहे, उससे हम एक तापमान अगर दिया रहे तो उससे हम दूसरी यूनिट में उसको हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने तापमान की विभिन्न इकाइयाँ और उनके बीच के संबंध को जाना और समझा। इसी तरह COVID-19 के इस लॉकडाउन के दौर पे आप सभी घर पे ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे साथ पढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।